नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज यूपी। देश को झकझोर देने वाले निठारी हत्याकांड जिसमें गायब दर्जनों बच्चों के नर कंकाल मिले, जिससे मानो प्रदेश से लेकर देश भर में तहलका सा मच गया। इस पूरे मामले में दोषियों को फांसी की सजा हुई, लेकिन इस मामले में किसको सजा होगी, जिसमें जीते जी एक परिवार घर में पिता की मौत के बाद नर कंकाल बन गया, शरीर की एक एक हड्डियां नजर आने लगी और लोग अपनी जानलेवा समस्या के बारे में ना ही किसी को कुछ बता पाए और ना ही कुछ कर पाए। समाज सेवी से लेकर अस्पताल के डॉक्टर्स तक सबके सब हैरान हैं इस तरह जिंदा कंकाल देखकर। बता दें कि ये तस्वीरें आपको कुछ समय के लिए हैरान परेशान कर सकती हैं। जब आपको इन लोगों की इस हालत का असली कारण के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियों में ना आप ही सांस ले पाएंगे और ना ही हम। लेकिन ये इन लोगों की हिम्मत ही है जिससे ये लोग नरकंकाल बनने के बाद भी जिंदा रहने में कामयाब रहे। और अगर इन पर समाज सेवी की नज़र नहीं पड़ी होती तो पिता के जाने के बाद परिवार में से किसी और के साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती थी। बता दें कि यह पूरा मामला प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया है, जहां एक परिवार बीते 2 महीनों से भूखा है। इस परिवार में 5 बच्चे और एक महिला है। भूखे रहने की वजह इन बच्चों का पिता है, जो कि किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसकी बीमारी के चलते 2020 में ही मौत हो गई, जिसके बाद बच्चों के पालने के लिए उसकी पत्नी ने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उसी समय सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिससे फैक्ट्री बंद हो गई तो परिवार ने आसपास से पैसे और रोटी मांगकर अपना गुजारा करना शुरू किया। लेकिन जब दोबारा से लॉकडाउन हुआ तो इस परिवार के पास मदद का कोई रास्ता नहीं बचा और ये परिवार भूख से मरने लगा। न कहीं से मदद और न कहीं से एक वक्त की रोटी। बीते 10 दिनों से इस परिवार के नसीब में एक रोटी भी नहीं मिली और ये लोग भूख से तरसते हुए कंकाल की तरह हो गए। परिवार में एक लड़की है जो कि 13 साल की है और 4 बेटे जो कि 20, 15 और 10, 5 साल के हैं। आप सोचिए क्या कहती होगी माँ जब बच्चे रोटी मांगते होंगे। तो इसी बीच इन लोगों की तबीयत खराब होने लगी तो माँ ने पूरा हाल अपनी बड़ी बेटी को बताया, जिसकी शादी हो चुकी है, जिस पर बेटी के पति सभी परिवार जन को जिला अस्पताल ले गया और वहां उन्हें भर्ती करवा दिया। और फिर वहीं पर एनजीओ वाले भी पहुंचे और इस पूरे परिवार की मदद की, जिससे अब ये परिवार डॉक्टर्स की निगरानी में है। आप भी सोच सकते हैं कि कुछ और दिन अगर इन लोगों के हालात ठीक नहीं होते तो क्या कुछ हो जाता इन सभी के साथ। आप भी इस महामारी के दौर में अपना ख्याल रखें और ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज़ यूपी के साथ। धन्यवाद।